हेलो एवरीवन, टॉपिक टेस्ट के सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या पूरे डीआर स्टडी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलो, पहला सवाल हम लोगों का क्या है। पहला सवाल में देखो क्या बोल रहा है। ए बॉय एंड अ गर्ल फिल अ सिस्टर्न विथ वाटर। एक बॉय एक गर्ल एक सिस्टर्न को फिल करते हैं वाटर से, ठीक है। द बॉय पोर्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 2 मिनट, ठीक है। हर 2 मिनट में वो 3 लीटर पानी देता है, तो बॉय के लिए हम लोगों ने लिख दिया 2 मिनट में उसने कितना लीटर पानी दिया, 3 लीटर पानी दिया, यानी बॉय का कंडीशन है। तो 1 मिनट में उसने कितना पानी दिया, 3/2 लीटर, ठीक है। फिर आगे कंडीशन क्या दे रखा है, द गर्ल पोर्ड 2 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट। गर्ल जो है 2 लीटर पानी भरती है हर 3 मिनट में, तो गर्ल के लिए कंडीशन क्या दे रखा है कि हर 3 मिनट में वो कितना पानी भर रही है, 2 लीटर पानी भर रही है। तो 1 मिनट में कितना पानी भरेगी, 1 मिनट में भरेगी 2/3 लीटर, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है हमें सवाल में, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल 91 लीटर ऑफ वाटर। 91 लीटर पानी भरना है इन द सिस्टर्न, दोनों मिल के विल इट टेक, ठीक है, दोनों मिल के इस काम को करने में कितना समय लेंगे, जब वो काम हमारा कितना है 91 लीटर पानी भरना हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मिनट में दोनों कितना भरेंगे, गर्ल का ये निकल गया, बॉय का ये निकल गया, तो 1 मिनट में जो है बॉय और गर्ल मिला के कितना भरेंगे, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो बॉय भरेगा 3/2, गर्ल भरेगी 2/3, यानी इतना ही लीटर वो भरेगी। इसी को सॉल्व करेंगे तो 9+ में कितना, 4/6 क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 13/6 लीटर। यहाँ 1 मिनट में वो भर रहे हैं 13/6 लीटर, तो 91 लीटर कितने देर में भरेंगे, तो 13/6 लीटर भरने में उसे लग रहा है 1 मिनट, तो 91 लीटर भरने में उसे कितना लगेगा, 1/ कितना, 13 × 6 और गुने में कितना, 91, 13 से कट गया 7 बार में, 7 × 6 यानी कि कितना, 42 मिनट। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो 42 मिनट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बिल्कुल नॉमिनल सा सवाल था। चीज़ों को ध्यान में क्या रखना था इसमें कि बी और जी दोनों का निकाल लेना है सबसे पहले, कि दोनों कितने देर में भरते हैं, और फिर जब निकल जाए 1 मिनट का काम तो सीधे सीधे काम से डिवाइड दे देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखो सवाल क्या है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, 4 पर्सन स्टार्टेड टू डू अ वर्क टुगेदर। 4 लोग साथ में काम करना शुरू करते हैं, ध्यान रखना साथ में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। ए वर्क्स ओनली इन स्टार्टिंग 2 डेज, मतलब 2 दिन तक 4 लोग साथ काम किए होंगे। आफ्टर डैट बी एंड सी एंड डी वर्क्स अल्टरनेटली स्टार्टिंग फ्रॉम बी, ठीक है, बी से स्टार्ट करते हुए बी सी डी और अल्टरनेट में काम करता है, मतलब स्टार्टिंग 2 दिन में ए बी सी डी ने चारों ने साथ काम किया। रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाई ए बी सी डी एंड डी इफ दे वर्क अलोन इज 4:3:2:5, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए बी सी और डी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, अगर रेशियो से बाहर निकालें तो 4x, 3x, 2x और कितना है हमारा 5x है, ठीक है। कंडीशन क्या था हम लोगों का कि पहले चारों 2 दिन तक साथ में काम करते हैं, उसके बाद बी सी डी अल्टरनेट काम करता है। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, 12 दिन में काम समाप्त हो जाता है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। ए और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे अगर वे दोनों साथ काम करते हैं तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 60x जब हो जाएगा, 4x से 60x को भाग देंगे, यानी कि 15 बचेगा, यहाँ पे हमारा 20 बचेगा, यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 12। अगर 60x टोटल वर्क है तो ए की इफिशियंसी 15 हो जाएगी, बी की 20, सी की 30 एंड डी की 12, ठीक है। अब जो कंडीशन बोला है ना, वो कंडीशन को जस्ट हम लोग फॉलो कराते हैं। सबसे पहले क्या बोला, चारों ने 2 दिनों तक काम किया, तो चारों ने 2 दिन में कितना काम किया, 15+20+30+12, ठीक है, गुने में कितना हो जाएगा हमारा, 2, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, हमारा टोटल काम 12 दिन में खत्म होना है, जिसमें से कि 2 दिन इन लोगों ने साथ काम किया, यानी बचे अब कितने हमारे, 10 दिन। अब अल्टरनेटली काम करना है, यानी बी सी और डी को काम करना है, एक दिन बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर बी, फिर सी एंड फिर डी, ठीक है। यहाँ देखो 9 दिन काम हो गया, 1, 2, 3,
चार पाँच छः सात आठ नौ, और दसवां दिन कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। इसी को हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि चार दिन बी ने काम किया, यानी कि पहले स्टार्टिंग से अगर नॉर्मली आप लोग, तो तीन दिन पहले बी ने किया, तीन दिन सी ने किया, तीन दिन डी ने किया, यानी कि तीन तीन दिन हो गए। इसमें बी का एक दिन और बढ़ जाएगा क्योंकि दस दिन था टोटल, ठीक है। यानी बी ने चार दिन और काम किए थे टोटल, तो चार दिन और उससे भी काम करा लो। तो चार दिन जब और काम कराना है तो बीस गुने में हमारा कितना हो जाएगा? चार, ठीक है। फिर सी ने तीन दिन किए तो 30 गुने में कितने हो जाएंगे? तीन। और फिर डी ने भी तीन दिन किए तो 12 गुने में कितने हो जाएंगे? तीन। और यही सारा काम होके हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 60x के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, 15 20 हमारा 35 और 30 यानी कि 65, और 12 हम लोग ऐड करेंगे तो 77। 77 इंटू 2 जब करेंगे तो ये हमें देगा 154, प्लस में 80, प्लस में हमारा 30 इंटू 3 90, और प्लस में 12 थे 36, ठीक है। अब इसी चीज़ को जब हम लोग आगे लेके चलेंगे तो बराबर में हमारा कितना हो जाएगा? 60x। सबको जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे 360 मिलेगा, और इक्वल टू हमारा 60x था ही, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हमारा सवाल में क्या बोला था कि इसी काम को A और C करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो A और C का जो समय होगा वो समय बराबर में क्या हो जाएगा? काम, यानी कि 60x, ठीक है, बटे में ए और सी की इफिशियंसी जो कि 15 है, और कितनी है हमारी? 30 है, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू रख देते हैं, 60 गुने में क्या? 6, बटे में हमारा क्या हो जाएगा? 45। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 42 क्या हो गया हमारा? 8 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो गया? डी। और यही हमारा आंसर है कि ए सी मिल के करेगा तो इस काम को 8 दिन में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है? तो क्या बोला है नेक्स्ट सवाल में, एक कॉन्ट्रैक्टर हायर अमिताभ अरोरा टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने अमिताभ अरोरा को हायर किया काम खत्म करने के लिए। अमिताभ कैन डू द वर्क इन 25 डेज, अमिताभ उस काम को 25 दिन में करते हैं। अमिताभ वर्कड फॉर 5 डेज, अमिताभ ने 5 दिनों तक काम किया। एंड आफ्टर दैट बिंदु सिंह कंप्लीटेड इट इन 20 डेज, बिंदु सिंह ने उसे बाद में 20 दिन में कंप्लीट किया। इन हाउ मेनी डेज अमिताभ एंड बिंदु सिंह टुगेदर फिनिश द वर्क, कितने दिनों में अमिताभ और बिंदु जो है साथ में इस काम को कंप्लीट करेंगे? तो ध्यान दो, यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है कि अमिताभ किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। यहाँ से मानना शुरू कर लेते हैं, हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि अमिताभ का जो इफिशियंसी था, ठीक है, अमिताभ का इफिशियंसी था 1, ठीक है। अब टाइम उसका कितना था? टाइम दिए हुए था हमारा 25 डेज, तो टोटल वर्क हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकल जाएगा हमारा? इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी 25 गुने एक हमारा क्या हो जाएगा? 25, यानी कि टोटल वर्क 25 निकल गया, ठीक है। अमिताभ ने 5 दिनों तक काम किया, तो अमिताभ की इफिशियंसी तो एक ही है, 5 गुने में क्या? एक। फिर उसके बाद कौन आया? बिंदु सिंह, जिसकी इफिशियंसी नहीं मालूम, बी से बोल दिए। और कितने दिन में उसने काम को खत्म किया? 20 दिन में खत्म किया। और इस तरीके से कितना काम खत्म हो चुका है हमारा? 25 काम खत्म हो चुका है, यानी 20 बी बराबर में 25 में जब 5 चला जाएगा हमारा तो क्या बचेगा हमारा? 20 बचेगा। 20 20 भी खत्म हो गया, बी की इफिशियंसी भी क्या निकल गई? 1 निकल गई। जब बी की इफिशियंसी 1 निकल गई तो अब क्या बोला? अमिताभ एंड बिंदु सिंह दोनों मिल के इसी काम को कितना दिन में करेंगे? तो दोनों मिल के काम करेंगे, यानी कि क्या, कितना काम करेंगे? 25। और किस इफिशियंसी से करेंगे? अमिताभ का भी एक, बिंदु सिंह का भी एक, यानी कि क्या हो जाएगा? 25 बटे 2 दिनों में ये काम जो है हमारा क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है 25 बाई कितना? 2 डेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, 3 मशीन्स एम एंड ओ आर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क, 3 मशीन एम एंड ओ को एम्प्लॉय किया जाता है काम करने के लिए। मशीन एम एंड एन टुगेदर कैन डू द वर्क इन 15 आवर, मशीन एम और एन जो है दोनों मिल के उस काम को कितने दिन में करते हैं? 15 घंटे में। वाइल मशीन एन एंड ओ टुगेदर कैन डू द वर्क इन 7.5 आवर, एन और ओ जब काम करते हैं तो 7.5 आवर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 by 2 आवर, ठीक है। If machine N is performing the role of destroyer, machine N जो है destroyer का role play कर रहा है। Destroyer मतलब क्या? आप pipe and system से compare कर लो इसको, पानी जो खाली करने वाला होता है रिसाव के कारण या जो हमारा छेद होता है इस कारण, तो वैसा ही role play कर लो आप N का, ठीक है, कि ये काम को है बर्बाद कर रहा है। And can destroy the whole work in 7.5 hour, और अकेले जो है
कितना देर में पूरा काम को बिगाड़ सकता है, 15/2 घंटे में। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल काम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ से इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी यहाँ से 2, और इसकी भी इफिशियंसी यहाँ से क्या होगी 2। लेकिन एन जो है डिस्ट्रॉयर का रोल है, तो यानी कि इसकी इफिशियंसी क्या होगी, निगेटिव में होगी। ठीक है, एन प्लस ओ की इफिशियंसी जो है हमारी, वो है हमारी 2। एन की इफिशियंसी कितनी है, -2, यानी प्लस में ओ बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ओ बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 4। ओ की इफिशियंसी क्या निकल गई 4। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग एम की भी निकाल सकते हैं, एम प्लस एन की इफिशियंसी जो है वो 1 है। एम प्लस में एन की इफिशियंसी कितनी है, -2, बराबर में क्या 1। एम की इफिशियंसी कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी। एम की भी निकल गई, एन की भी निकल गई, ओ की भी निकल गई। पूछा क्या है सवाल में, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाई ऑल 3 मशीन्स टुगेदर टू डू द वर्क, कितना समय लगता है पूरा काम को कंप्लीट करने में। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में मतलब क्या, एम एन ओ मिल के ही काम करेंगे, तो एम एन ओ मिल के जो टाइम लगाएंगे वो टाइम क्या लगेगा हमारा, टोटल काम यानी कि कितना, 15। अब यहाँ से काम कराना है किससे, एम से। एम भरने मतलब काम बनाने वाला यानी 3, फिर हमारा कौन है ओ, ओ भी काम बनाने वाला यानी 4। ठीक है, लेकिन एन जो है वो क्या है हमारा, काम बिगाड़ने वाला है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, माइनस में। 4 3 7 में 2 चला जाएगा यानी क्या 5, 5 से जब इसे काटेंगे तो कितना बार में, 3 बार में। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है, 3 डेज, ऑप्शन नंबर सी एंड आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना इस सवाल को। इस सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। संतोष कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन, 40 डेज। ठीक है, संतोष किसी काम को कितना दिन में करता है, 40 दिनों में करते हैं। ठीक है, फिर सतीश कैन डू द सेम इन 60 डेज। सतीश जो है उसी काम को कितना दिन में करता है, 60 डेज में करता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं, 120 हो जाएगा, यानी कि संतोष की इफिशियंसी 3, सतीश की इफिशियंसी क्या, 2। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, संतोष वर्क्स ऑन अलोन फॉर फ्यू डेज। ठीक है, संतोष अकेले कुछ दिन तक काम करता है, तो संतोष को पहले अकेले, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं कि काम यहाँ से शुरू किया, पहले संतोष अकेले काम किया, ठीक है, कुछ दिनों तक काम किया, देन सतीश ज्वाइन हिम एंड टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क 10 days earlier than the time संतोष alone would have taken। ठीक है, सिंपल सा है, एक लाइन ग्राफ से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल में क्या बोला था, संतोष वर्क्स ऑन अलोन फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है, संतोष अकेले कुछ दिनों तक काम करता है, देन सतीश ज्वाइन हिम, कुछ दिन के बाद सतीश ज्वाइन करता है, एंड टुगेदर दे कंप्लीटेड द वर्क 10 days अर्लियर देन द टाइम टेकन बाय संतोष अलोन वुड हैव टेकन। ठीक है, संतोष अकेले जितना दिन लेता है उससे 10 दिन पहले ही काम खत्म हो जाता है, यानी काम कितने दिनों में खत्म हो जाता है, 30 दिनों में, क्योंकि संतोष अकेले 40 दिन लेता है। अब यहाँ से देखो इसी ग्राफ को मैं ना थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। संतोष हो गया, अब पहले कुछ दिनों तक, ये कुछ दिन तक का लाइन में यहाँ पे बीच में पार्टीशन कर दिया कि पहले संतोष अकेले काम किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, संतोष भी काम कर रहा है और प्लस में कौन काम कर रहा है, सतीश भी काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से आगे जब बढ़ा तो हमारा काम जो है यहाँ पे खत्म हो गया। बोल क्या रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड सतीश ज्वाइन, सतीश ने कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया। तो यहाँ पे ध्यान दो कि संतोष काम जब शुरू हुआ वहां से लेके अंतिम तक संतोष ने काम किया, यानी उस पूरे 30 दिनों तक संतोष ने काम किया। तो 30 दिनों में उसने काम कितना किया, 30 × 3 यानी कि कितना, 90 यूनिट उसने काम कर दिया। टोटल काम हमारा 120 यूनिट है, तो रिमेनिंग काम हमारा कितना बचेगा, ध्यान समझना, रिमेनिंग काम हमारा बचेगा 120 - 90 यानी कि कितना, 30 यूनिट। और ये 30 यूनिट किसके लिए आया, ये सतीश के लिए आया, क्योंकि एक्स्ट्रा कौन कर रहा है ये 30 यूनिट, ये 30 यूनिट सतीश कर रहा है, यानी कि सतीश ने 30 यूनिट लगाने में जितने दिन लगाए होंगे उतना ही दिन सतीश ने काम किया होगा। तो बस यहाँ से हमें निकाल देना है कि 30 यूनिट करने में सतीश को लगा कितना समय, तो 30 यूनिट में सतीश का समय निकाल दो, तो 30 / 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 15। और इसी के साथ हमारा एन यहाँ पे कितना दिन निकल गया, 15 दिन निकल गया। अब देखो सवाल में क्या पूछा है हमसे, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड सतीश ज्वाइन संतोष, सतीश ने कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया। तो सतीश ने यहाँ से यहाँ तो टोटल 15 दिन ही काम किया, और टोटल काम जो चला है वो हमारा कितना चला है, 30 दिन चला है, यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो यहाँ से यहाँ 15 दिनों के बाद सतीश ने क्या किया, ज्वाइन किया। और यही हमारा आंसर है, 15 डेज के बाद सतीश ने क्या किया था, ज्वाइन किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देखो क्या बोल रखा है, मंदना कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20 डेज। ठीक है, मंदना अकेले किसी काम को 20 दिनों में करती है।
ठीक है. डॉली कैन डू इट अलोन इन 30 डेज. डॉली उससे काम को कितना दिन में करती है? 30 दिनों में करती है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, एंड राकेश कैन डू इट अलोन इन 40 डेज. और राकेश अकेले उस काम को कितना दिन में करता है? 40 दिन में करता है. ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल में अगला, इफ मंदना इज असिस्टेड बाई डॉली. ठीक है, मंदना इज असिस्टेड बाई डॉली ऑन द फर्स्ट डे. पहले दिन जो है, यहाँ से हम लोग सबसे पहले ना टोटल काम निकाल लेते हैं. टोटल काम हमारा 120 हो जाएगा, 20 से हमारा 6 बार में, 30 से 4 बार में, 4 से 3 बार में. पहले दिन में क्या कंडीशन दिया था कि मंदना को कौन असिस्ट करता है? डॉली. ठीक है, मतलब पहला दिन मंदना और डॉली काम करते हैं. एंड बाई ऑन द फर्स्ट डे एंड बाई राकेश ऑन द नेक्स्ट डे. ठीक है, यानी कि मंदना को अगले दिन कौन असिस्ट करने आता है? राकेश. यानी सेकेंड डे में कौन कौन काम कर रहे हैं? मंदना और राकेश. ठीक है, एंड ऑन द थर्ड डे डॉली एंड राकेश वर्क टुगेदर. और तीसरे दिन कौन काम करता है? डॉली और राकेश काम करते हैं. ठीक है, सेम पेयर ऑफ पीपल वर्कड ऑन 4 डे. यानी कि हमें क्लियर हो गया कि 4 डे में जो काम किए एज ऑन क्या, फर्स्ट डे, पहले दिन जैसा. यानी कि यही साइकिल अब चलने वाला है भैया. 3 दिनों का हमारा एक साइकिल पता चल गया. तो 3 दिन में हमारा काम कितना हुआ, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं. मंदना का 6, डॉली का 4, यानी कि यहाँ पे 10 काम हुआ. फिर मंदना का 6, राकेश का 3, यानी कि यहाँ पे हमारा 9 काम हुआ दूसरे दिन. तीसरे दिन हमारा क्या होगा, डॉली का 4 और यहाँ पे 3, यानी कि टोटल हमारा 7 काम हुआ. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 3 दिनों का काम निकाल सकते हैं कि 3 दिन में जो काम हुआ हमारा वो कितना हुआ, 10 + 9 + 7, दैट इज हमारा 26. ठीक है, अब ये 26 से 120 के नज़दीक में हमें पहुंचना है. तो 26 से 120 के नज़दीक में हम लोग कैसे पहुंचेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो. यानी 12 दिनों में हमारा जो काम हुआ है वो कितना हुआ, 26 × 4, यानी कि 104 यूनिट. ठीक है, जो 13th डे होगा, 13th डे हमारा कौन आएगा, 13वां दिन. यानी कि 12 दिन तक तो यहाँ ये 3 दिन का साइकिल चल गया हमारा. 13th डे कौन आएगा, ये M+D आएंगे. M+D कितना काम करेंगे, 10 यूनिट. यानी 104 प्लस में 10 यूनिट कितना काम हो गया, 114. अब जैसे ही 14th डे लगाओगे, लेकिन 14th डे में ये पूरा 9 काम कर लेगा, तो हमें कराना 6 काम ही है. ठीक है, क्योंकि 114 तक तो हम पहुंच गए, हमें पहुंचना था 120 काम तक. ठीक है, तो अब यहां से सीधा सीधे हम लोग इसको निकाल भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमारा ये 9 काम करने में इसे लगता है 1 दिन. ठीक है, हमें इसे बताना है यहाँ पे कि सेकेंड डे में मंदना और राकेश जो काम करते हैं, ये 9 यूनिट काम कराने में इसे लगते हैं 1 दिन. लेकिन हम लोगों को इससे 9 यूनिट नहीं कराना है, हम लोगों को इसे सिर्फ 6 यूनिट ही कराना है. तो 6 यूनिट कराने में कितना दिन लगेगा, यानी 1/9 गुने में क्या, 6 काट दो यहाँ से, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी कितना दिन लगेगा, 2/3. यानी 14th डे पूरा काम नहीं होगा, 2/3 ऑफ 4 डे होगा. और 2/3 ऑफ डे में हमारा कितना काम चला जाएगा, 114 प्लस में 6, डेट इज हमारा कितना, 120 काम. तो हमसे पूछा है देन वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन, काम कितने दिनों में कम्प्लीट होगा, यानी 13 दिन इधर और 2/3 डेज इधर, यानी कि 13 whole 2/3 डेज में जो है हमारा काम कम्प्लीट हो जाएगा. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13 whole 2/3 डेज. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं. नेक्स्ट में हमारा क्या बोल रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क. ठीक है, ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है हमारा, 50 दिन में करता है. ठीक है, ध्यान से समझना है सवाल को. इस सवाल को भी अगर हम लोग करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लाइन ग्राफ से ये बहुत आसान हो जाता है. ठीक है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 15 डेज. ठीक है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 50 दिन में करता है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 80 डेज. बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 80 दिनों में करता है. ठीक है, बी जब 80 दिनों में कर दिया तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं. टोटल काम हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 हो जाएंगे. 400 जब हो जाएंगे तो यहाँ से 50 से हम लोग कितना बार में, 8 बार में, 80 से हम लोग कितना बार में, 5 बार में. ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या बोला है, ए एंड बी टुगेदर वर्क फॉर 12 डेज. फिर एक लाइन ग्राफ बनाओ, काम यहाँ से शुरू हुआ. ठीक है, यहाँ पे ए और बी काम किए पहले कुछ दिनों तक, और कितने दिन काम किए, 12 दिनों तक. ठीक है, फिर आगे बोला एंड देन लेफ्ट द वर्क. ठीक है, काम छोड़ दिए. फिर क्या बोल रहा है, ए अलोन वर्क फॉर 3 more days. ए अकेले 3 और दिन तक काम करता है. यानी ये ग्राफ क्या बोला हमको कि ये अकेले 3 दिन तक काम करता है. ठीक है, एंड नाउ ए लेफ्ट, और अब ए भी छोड़ देता है. एंड बी ज्वाइंस द वर्क विथ अनदर पर्सन सी. और बी जो है ज्वाइन करता है काम को किसके साथ, दूसरे पर्सन सी के साथ, यानी बी प्लस सी. ठीक है, यहाँ पे आगे काम कौन कर रहा है, बी प्लस सी.
टुगेदर बी एंड सी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम को, इन 12 मोर डेज. काम खत्म हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया. कितने दिनों तक इन लोगों ने काम किया? 12 दिन तक काम किया. देन फाइंड दैट सी अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज. सी अकेले उस काम को कितना दिन में करता है. तो हमको यहाँ पे तो काम पता मालूम ही है. सी का हमें इफिशियंसी निकालना. अब देखो इस लाइन ग्राफ से आसान, कितना आसानी हो गया हमारा. हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए ने 12 दिन तक काम किया, ए ने यहाँ 3 दिन तक काम किया, यानी ए ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक. ठीक है, बी ने यहाँ पे 12 दिनों तक काम किया और बी ने यहाँ पे भी 12 दिनों तक काम किया, यानी बी ने टोटल कितने दिनों तक काम किया, 24 दिन तक. ए की इफिशियंसी कितनी है, 8, यानी 15 दिनों में ए ने कितना काम किया, 120 यूनिट काम किया. ठीक है, उसी तरीके से बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, 24 गुने में 5, यानी कि कितना, 120 यूनिट, यानी बी ने भी कितना काम किया, 120 यूनिट. और यहाँ से जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा ए और बी ने मिल के कितनी यूनिट की हैं, 240 यूनिट की हैं. तो बाकी के जो काम बचे हैं, बाकी काम कितने बच गए, 400 में 240 घटा दो, यानी कि कितने काम बच गए हमारे, 160 काम. ठीक है, बाकी के जो 160 काम थे वो किसने किया, वो सी ने किया है. और कितने दिनों में किया है, 12 दिनों में किया है. यानी कि सी की इफिशियंसी अगर हम लोग सी मान लेते हैं और यहां से उसको 12 दिन तक काम कराते हैं, तो उसने कितना काम किया है टोटल, 160. 4 से हमारा 3 बार में, 4 से हमारा कितना बार में, 40 बार में. यानी कि सी की जो इफिशियंसी निकल गई, सी की इफिशियंसी कितनी निकल गई, 40 बाय में कितना, 3. ठीक है, सी की इफिशियंसी जब 40 बाय में 3 निकल गई हमारी, ये ध्यान रखना इफिशियंसी है. तो हमने क्या पूछा है, सी का समय इसी काम के लिए, तो सी का समय निकाल दो. सी का समय कैसे निकलेगा, हमारा काम बटे में क्या, 40 डिवाइडेड बटे में 3. 40 से ये कट जाएगा हमारा कितना बार में, 10 बार में, 3 हमारा ऊपर चला जाएगा. यानी कितना दिन लगा उसे करने में, 30 दिन लगे. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 30 डेज. ध्यान रखो इस सवाल को, लाइन ग्राफ से कितनी आसानी से बन गया, कोई मल्टीप्लीकेशन करने में दिक्कत भी नहीं होगी. यहाँ पर 15:8 आसानी से हम, ये लाइन ग्राफ चीज़ें जो है ना बहुत आसान बना देती है इस तरीके के सवाल को, जब छोड़ते हैं लोग, जब पकड़ते हैं लोग तो. ठीक है, चलो इस चीज़ को ध्यान में रखना. नेक्स्ट हम लोग अगले सवाल की ओर चल रहे हैं. अगला सवाल क्या बोल रहा है, इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 मशीन्स. ठीक है, एक फैक्ट्री में 3 मशीन्स है, ए बी सी. ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ए इज ट्वाइस द इफिशियंसी ऑफ बी. बी के इफिशियंसी का ट्वाइस है. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल दिए, एक बोल दिए, ऐसे दो बोल दिए, बी के इफिशियंसी का ट्वाइस हो गया है. ठीक है, एंड द इफिशियंसी ऑफ सी इज 40% लेस देन कॉम्बाइंड इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी. ठीक है, अब यहाँ देखो सी का इफिशियंसी का तुलना करना है ए और बी से. अब परसेंटेज में चूंकि बात है तो हम स्टार्टिंग में इसको क्या बोल दिए, जैसे ही हमको परसेंटेज में, इसको हम चेंज कर दिए 100 में. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सी का इफिशियंसी जो है इन दोनों के कॉम्बाइंड इफिशियंसी कितना है, 300 से क्या हो जाएगा हमारा, 40% कम. 40% कम का मतलब क्या हो जाएगा, 60%. 300 का जब हम लोग 60% निकालेंगे तो वो हमें कितना देगा, 180. यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी निकल गई, 180. अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोल रहे सवाल में, इफ ऑल 3 मशीन वर्क टुगेदर कैन मैन्युफैक्चर 864 यूनिट. यानी काम दे दिया हमारा, कितना मैन्युफैक्चर करता है, 864 यूनिट इन 15 आवर. तीनों जब साथ काम करते हैं तो 15 घंटे में ये काम खत्म कर देते हैं. तो तीनों की इफिशियंसी कितनी है, यहाँ से देखो तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 480. चलो एक वेरिएबल लगा दो x. ठीक है, अब इन लोगों ने कितने देर तक काम किया, 15 घंटे तक. और कितना काम हो गया हमारा, 864 यूनिट. यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो. किसी चीज़ को काटना उठना मत अभी, ठीक है, क्योंकि लग भले रहा होगा कि बड़े बड़े नंबर्स हैं, लेकिन काटने से ना चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, इसको ऐसे ही रहने दो अभी. ठीक है, अब देखो सवाल में पूछा क्या है, देन हाउ मेनी यूनिट्स राउंड ऑफ में तुम्हें बताना है कि मशीन सी विल प्रोड्यूस, सी प्रोड्यूस करेगा इन वन डे, एक दिन में, व्हेन इट इज वर्किंग 24 आवर्स अ डे, जब वह 24 घंटे काम कर रहा है एक दिन में. यानी कि सी को हमें 24 घंटे काम कराना, 24 घंटे में कितना काम होगा हमें ये निकालना है. तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 180x, और उसे काम कितना देर कराना है, 24 घंटे. और यही जो वर्क होगा, ये वर्क का हमें क्या करना है, वैल्यू बताना है. तो इस वर्क की वैल्यू अब यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं. क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है, 864 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 480 गुने में 15 गुने में क्या, 24. अब देखो यहाँ से काटना शुरू करो, 15 से ये 12 बार में. ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है जो कि आपको अच्छे तरीके से मुंह पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं. ठीक है, 24 से हमारा ये कट जाएगा 20 बार में.
ठीक है, अब इसी को काटना है हमें, इसी को काटने छाटने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा। हम इसे चाहें तो और भी फर्दर एलाबोरेट कर सकते हैं कि दो से काट दिया इसे 10 बार में और दो से काट दिया इसे 6 बार में। अब 6 से 8, 68, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, यही एक मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें मिलेगा 5184। ठीक है, कितना मिलेगा 5184 बटे में क्या हो जाएगा हमारा 10, और यही हमें देगा 518 पॉइंट में कितना हो जाएगा 4, और यही हमारा अप्रॉक्स राउंडेड ऑफ में हमारा हो जाएगा 518 यूनिट। सी अलोन जब 24 आवर तक काम करेगा तो हमें कितना देगा 518 यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट में हमारा क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से रखना। ठीक है, ध्यान से समझना इस सवाल को, हम लोग कैसे एकदम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चीज़ों को बस समझ के हम लोग को इसको आसानी से कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी सी आर असाइन टू फिनिश अ वर्क। ठीक है, ए बी सी को असाइन किया जाता है किसी काम को करने के लिए। इट इज़ नोन डैट इफ ए वर्क्स एट 50% ऑफ इज इफिशियंसी, यानी कि यहाँ पे इफिशियंसी की बात कर दी तो हम लोग स्टार्टिंग में मान लेते हैं ए की इफिशियंसी ए, बी की इफिशियंसी बी, सी की इफिशियंसी क्या सी। ठीक है, इफिशियंसी हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे मान लिया। अब क्या बोल रहा है, इट इज़ नोन डैट इफ ए वर्क्स 50% ऑफ इज इफिशियंसी। ठीक है, अपनी इफिशियंसी का 50% यानी आधा अलॉन्ग विथ सी, सी के साथ काम करता है तो काम जो है कितने दिन में खत्म हो जाता है, 48 दिन में। कितने दिनों में खत्म होता है, 48 दिन में। ठीक है, इफ बी वर्क्स 25% लेस देन इट्स इफिशियंसी, बी जो है अपनी इफिशियंसी का 25% कम से, यानी क्या 75% से 3/4 अलॉन्ग विथ ए, किसके साथ, ए के साथ, देन द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 30 डेज। कितने दिनों में काम खत्म हो जाता है, 30 दिनों में। If B works at 25% of his efficiency, B अपनी efficiency का 25% से, along with C, किसके साथ, C के साथ, who is working 2/3 of its efficiency, C जो है अपने 2/3 efficiency से काम कर रहा है, then the work will be completed in 72 days. काम कितने दिनों में खत्म होगा, 72 दिनों में। अब देखो, अब normally इस सवाल को करने के लिए जाओगे ना तो इस सवाल में बहुत सारा calculation आएगा, बहुत सारे equation बनेंगे। ठीक है, हमें इस सवाल को ना एकदम best approach से करना है। देखो, एक relation बनाओ अपने दिमाग में कि किसी दो equation में कुछ relation बैठ रहा है क्या। ठीक है, यहाँ देखो 48 और यहाँ देखो 72, ये दोनों ही किसी एक कॉमन चीज का मल्टीपल है, वो है हमारा 24। ठीक है, और भी एक चीज तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो सी अकेला है। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा सी 2/3 के साथ है, तो अगर किसी तरीके से हमारा सी और सी को एलिमिनेट कर दें हम लोग तो हमारे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये सी का अगर 3 हटाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3/4, जो कि यहाँ से हमारा मिल जा रहा है। यानी बहुत सारी चीज़ों को तुम देख के एक चीज़ बना सकते हो कि ये दोनों को अगर हम लोग एक साथ ले लें तो कुछ हमारा जुगाड़ बैठ सकता है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या था, 48 और क्या 72, फिर भी नहीं मिल रहा है तो कुछ कुछ करके देख लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि इफिशियंसी जो होगा हमारा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है, यानी कि अगर इफिशियंसी बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, जितना से इफिशियंसी बढ़े टाइम क्या होगा, घटेगा। अगर इफिशियंसी घटेगा तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ेगा। तो इसी सवाल में अगर मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन में ही, ये वाले में अगर हम लोग इसको 2 गुना कर देते हैं, मतलब इफिशियंसी को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इफिशियंसी डबल करने का मतलब क्या है, 2 गुना कर दिया उन दोनों का इफिशियंसी को। ठीक है, इफिशियंसी को जब 2 गुना कर देंगे तो समय क्या लग रहा है इनको, आधा, यानी कि कितना, 24। ठीक है, फिर अब यहाँ पे ध्यान दो कि इनकी इफिशियंसी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। इसकी इफिशियंसी को हम लोग एज इट इज रहने दे रहे हैं, इसकी इफिशियंसी को हमें बढ़ाना है, तो इसकी इफिशियंसी एज इट इज रह जाएगी, यानी कि क्या, 3b/4 में क्या 4 प्लस में क्या a, और कितने दिनों में क्या इसने, 30 दिन में। अब इसकी इफिशियंसी पे ध्यान दो, इसकी इफिशियंसी को हमको क्या करना है, जब हम लोगों ने 2 से किया तो यानी कि ये हमारा क्या देगा, 2c देगा। हमें क्या करना है यहाँ पे, इस c को एलिमिनेट करना है, तो c को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो इसकी इफिशियंसी को हम लोगों ने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। तो 3 से जब गुना करेंगे तो b गुने में क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस में c गुने में क्या है, 2/3। और यहाँ से हमारा जब ये 3 गुना इफिशियंसी हो रहा है तो टाइम उसका क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 72 / 3 जब करेंगे तो ये कितने दिन हो जाएंगे, 24 दिन। देखो यहाँ से 24, यहाँ से भी 24, 24, 24 कॉमन मिल गया ना हमारा। अब चीज़ों को ध्यान से समझो कि ये इस इफिशियंसी से काम कर रहे हैं तब भी 24 दिन ले रहे हैं, ये भी इस इफिशियंसी से काम कर रहे हैं तब भी 24 दिन ले रहे हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसे क्या करना है, बराबर कर देना है, 2 गुने में a/2 प्लस में 2c बराबर में 3b/4 बराबर प्लस में क्या,
टू सी बाई में थ्री और गुने में क्या थ्री, थ्री थ्री यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, टू टू यहाँ से, अब ध्यान दो ये टू सी, ये टू सी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से तुम्हें क्या मिला एक रिलेशन ए बराबर में थ्री बी बाई में फोर, ठीक है। अब यहाँ तुम ध्यान से देख रहे होगे कि a बराबर में जो है वो क्या है थ्री बी बाई में कितना है फोर है। अब यहाँ से हम ना नॉर्मल जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे, यहाँ से 24 24 और इसके अकॉर्डिंग टोटल काम, तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 120, 24 से ये पाँच बार में हो जाएगा, 30 से ये चार बार में और 24 से फिर ये पाँच बार में। अब ध्यान दो कि ये दोनों की इफ़िशियंसी मिला के क्या है हमारी चार है। अब चूंकि ये दोनों ही आपस में बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं दोनों को दो दो इफ़िशियंसी हो गई, यानी ए की इफ़िशियंसी भी टू होगी और थ्री बी बाई में फोर की इफ़िशियंसी भी क्या होगी टू होगी, जो कि बी की इफ़िशियंसी क्या करके देगी एट बाई में कितना तीन करके देगी। बस सवाल यहीं से ख़त्म हो गया, ए बी की इफ़िशियंसी निकल गई, अब सी की इफ़िशियंसी निकाल दो। सी की इफ़िशियंसी कैसे निकलेगी, दो गुने में तुम्हें यहाँ पे दिए हुए है टू ए बाई में टू प्लस में क्या सी, यानी कि तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो जब गुना करोगे तो ए प्लस में क्या टू सी, और इसकी इफ़िशियंसी कितनी दी हुई है पाँच, ए की इफ़िशियंसी अभी तुमने निकाली थी कितनी निकाली थी दो, यानी टू सी बराबर में पाँच में हमारा दो चला जाएगा तो कितना बचेगा तीन, सी की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी थ्री बाई में कितना टू, ठीक है। सी की इफ़िशियंसी जब थ्री बाई में टू निकल गई हमारी, तो हमसे सवाल में क्या पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफ़िशियंसीज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, क्या रेशियोज़ है उसकी इफ़िशियंसीज का ए बी और सी का, बस ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए का रेशियो बी का रेशियो और क्या सी का रेशियो, ए कितना है हमारा टू है, बी कितना है हमारा एट बाई में क्या है हमारा थ्री, और सी हमारा कितना है थ्री बाई में क्या टू, तो थ्री टू जब सिक्स से जब टू मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे क्या देगा ट्वेल्व देगा, एट इंटू टू जब होगा तो वो हमारा क्या देगा सिक्सटीन देगा, और थ्री इंटू थ्री देगा तो यानी क्या देगा हमारा नाइन देगा, और यही हमारा आंसर है ट्वेल्व रेशियो सिक्स रेशियो नाइन ऑप्शन नंबर बी। एल्स इसे तुम कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, एम डी एच का फॉर्मूला लगा के इफिशियंसी गुने में टाइम बराबर में क्या हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, फिर इफिशियंसी गुने में टाइम हमारा फिर क्या हो जाएगा टोटल वर्क, फिर किसी दो इक्वेशन को मिलाओ उसकी वैल्यू तीसरे में रखो, लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगा, चीज़ों को बस समझ के यहाँ पे आराम से तुम निकल जाओ कि ये चीज़ें इस तरीके से काम करिए। एक ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि इन किसी दो इक्वेशन में क्या कोई कॉमन दिख रहा है, और दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चलो, नहीं तो किसी एक चीज़ को स्टार्टिंग में ही एलिमिनेट करने का कोशिश कर लो, यानी कि बहुत सारा इक्वेशन बना के एलिमिनेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोगों का, और आखिरी सवाल क्या बोल रहा है हम लोगों को सवाल में, ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्ड अ वॉल इन एट डेज, ठीक है, ए और बी दोनों मिल के किसी दीवार को कितना दिन में बनाते हैं आठ दिन में बनाते हैं, ठीक है। बी और सी टुगेदर कैन बिल्ड द सेम वॉल इन टेल होन टू बाई सेवन डेज, यानी बी और सी दोनों साथ मिल के दस पूर्णांक दो बटे सात दिन में करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बहत्तर बटे में कितना सात दिन, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड ए एंड सी टुगेदर कैन बिल्ड द सेम वॉल इन 7.2 डेज, ठीक है, ए और सी उसी दीवार को कितने दिन में बनाते हैं 7.2 यानी कि 72 बाई 10 डेज में। टोटल काम यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल काम कितना हो जाएगा बहत्तर, आठ से नौ बार में, बहत्तर से सात बार में, और यहां से ये दस बार में, यानी ए बी की इफिशियंसी नौ, बी सी की इफिशियंसी सात, ए सी की इफिशियंसी दस, ठीक है। अब देखो सवाल जो बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है, इफ ए अलोन वर्क्स फॉर फर्स्ट फोर डेज, ए अकेले पहले चार दिन तक काम करता है, बी अकेले आठ दिन तक काम करता है, एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई सी अलोन, सी अलोन जो है बचे हुए काम को करता है, इफ दे आर पेड अ टोटल अमाउंट ऑफ 729 और उन लोगों को 729 रुपए पे किए गए थे फॉर देयर वर्क, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेजेज ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पे रेशियो पूछ दिया है, तो रेशियो पूछ दिया तो यहाँ से 729 का तो कोई यूज ही नहीं रह गया, क्यों यूज नहीं रह गया, कि उन लोगों ने जितना काम किया हुआ काम के अकॉर्डिंग हम लोग का पैसा बढ़ता है, ये तो हम लोगों को पता है, बस उन लोगों का काम निकाल दो, काम का जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा पैसे का रेशियो हो जाएगा, तो बस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे काम निकालने के लिए चल देंगे, तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो टू ए बी सी हमारा जो हो जाएगा ए प्लस में बी प्लस में सी, वो हमारा इफिशियंसी कॉम्बाइंड जोड़ जाड़ के हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 7 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 26 दे देगा, यानी दो से कट जाएगा कितना बार में 13 बार में। अब ध्यान दो a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है 13, ए बी हमारा जोड़ के कितना है 9, तो ए बी की वैल्यू जब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो सी निकल जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस में कितना 9 यानी कि कितना हो गया 4, ठीक है। अब b प्लस सी हमारा कितना है 7 है, तो b प्लस सी जब 7 है तो b की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 7 माइनस में कितना 4 यानी कि क्या हो जाएगा 3। उसी तरीके से हम लोग a निकाल लेते हैं, a प्लस सी हमारा कितना है 10 यानी a कितना हो जाएगा 10 माइनस सी यानी कि कितना 4 यानी कि इसकी इफिशियंसी निकल गई 6,
ठीक है। अब ध्यान से देखो सवाल में क्या बोल रहा है कि ए ने 4 दिनों तक काम किया, तो 6 × 4 यानी कि उसने कितना यूनिट काम किया, 24 यूनिट काम किया, ठीक है। फिर बी ने जो काम किया वो 8 दिनों तक काम किया, तो 8 दिनों तक काम किया, किस एफिशिएंसी से काम किया, 3 की एफिशिएंसी, 8 दिनों में उसने कितना काम किया, 24 यूनिट बी ने भी काम कर दिया, ठीक है। टोटल काम हमारा 72 था, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, अब सी करेगा, 72 माइनस में 24 माइनस में क्या 24, घटा देंगे इसका भी निकल गया 24, यानी कि ये हमें क्या पता चल गया कि ए ने भी 24 किया, बी ने भी 24 किया, सी ने भी 24 किया। अब ये टोटल 72 काम का हमारा दिए हुए 729 रुपये, अब रिलेट करके अगर एक का पूछता तब हम लोग निकालते हैं रिलेट करके 729 का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे तो हमें रेशियो पूछ दिया, तो रेशियो में 729 का क्यों झमेला करना, यहाँ पे सीधा सीधी हमें रेशियो मालूम कर लिया है कि ए बी सी ने कितना कितना काम किया, उसी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए का भी 24 काम किया, बी ने भी 24 काम किया और सी ने भी 24 काम किया। अब इसी रेशियो में क्या होगा, उनको पैसा भी बटेगा, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, बस रेशियो ही बताना है। तो रेशियो यहाँ से सारा कट के क्या दे देगा, 1:1, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1:1, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो इस सीरीज़ को अपने दोस्तों, अपने जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, फ्लैटमेट्स, रूममेट्स, हॉस्टलमेट्स, सब तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट्स पहुंचाओ। ये सीरीज़ इसी तरीके से कंटिन्यूड रहेगा विद द बेस्ट क्वेश्चन एंड बेस्ट सॉल्यूशन। थैंक यू।